गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा आपसे आज ये सवाल था कि ये जो एसेंशियल्स ड्रग्स हैं प्राइमरी, इनके बारे में सर आप कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी वो दवाई हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में WHO रिलीज करता है हर साल। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व सेहत संगठन हर साल उसको अपडेट करता है, उसको रिलीज करता है। और उसको प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में, प्राइमरी होता है ग्रामीण क्षेत्र, सेकेंडरी होता है टाउन कस्बा, और तीसरा होता है टर्शरी जिसको हम सिटी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे CMS EDP वाले पूछते हैं कि CMS EDP का रोल ज़्यादा कहाँ है। जहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठा है शहर में टाउन में, वहाँ तो CMS EDP की जरूरत ही नहीं है। यानी कि वहाँ पे रूरल हेल्थ प्रोवाइडर की जरूरत ही नहीं है। रूरल हेल्थ प्रोवाइडर कहाँ कमज़ोर है? रूरल एरिया में, जैसे मैंने बताया था प्राइमरी हेल्थ केयर में। नेचुरली CMS ED प्रोवाइडर, फर्स्ट एड केयर प्रोवाइडर, होम हेल्थ प्रोवाइडर, उनकी जरूरत कहाँ पड़ जाती है? पब्लिक हेल्थ प्रोवाइडर, मल्टीपर्पज रूरल हेल्थ प्रोवाइडर और आशा रूरल की प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी आज की डेट में अगर हम नेट पे देखें, और जैसे हमने मोहाली के CMO साहब से, ड्रग इंस्पेक्टर से पूछा था, तो उन्होंने लगभग 200 से ऊपर दवाइयां बताई थी। अगर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को देखें तो आज की डेट में 374 ड्रग्स हैं इसमें, 374। आप देख रहे हैं कि ये सामने 2016-2018 में ये 374 ड्रग हैं। ये देखिए सामने लगभग 378 के लगभग ये चीज़ें हैं। अब इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, थायराइड की दवाई हैं, ओवुलेशन इंड्यूज़र है जो अंडा पैदा करती हैं, डायरिया की हैं जो दस्त लगे हों उसके लिए है, हार्मोन्स की हैं, लेग्जेटिव्स हैं। लेग्जेटिव मीन्स जो कि आपके कब्ज है तो कब्ज को हटाती हैं, उल्टी आई है तो उल्टी को हटाती हैं, एंटासिड्स हैं, बहुत सारी दवा हैं इसमें। अब कहाँ पे झोला छाप प्रवृत्ति चलती है? झोला छाप प्रवृत्ति कहाँ है? वो 376-374 को ना CMS ED या फर्स्ट एड में या प्राइमरी हेल्थ केयर में बगैर सुपरविजन के सोचता है कि ये लिस्ट मेरे हाथ आ गई तो मैं इसका अधिकारी हूँ। बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। जो शेड्यूल H ड्रग है, X ड्रग है और X1 ड्रग है, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को आप वायलेट कर रहे हैं। सिर्फ एसेंशियल ड्रग प्राइमरी का कोर्स कर लेने से 376 पे आपका राज नहीं हो जाता। तो डी फार्मेसी भी की है आपने, आपका कभी स्टोर भी है, तो उसमें शेड्यूल X ड्रग्स भी हैं एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी में। तो ये गलती बहुत बड़ी करते हैं झोला छाप इंस्टीट्यूट्स भी, कि वो दवाई लिख देते हैं उनके सर्टिफिकेट पे और वो सोचते हैं कि इनकी अपडेट भी ना ली, उनकी अपडेट भी ना ली कि कौन सी डिलीट हुई, कौन सी एक्सेप्ट हुई। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डिक्लोफेनिक और एक्लोफेनिक बैन होने जा रही हैं, कुछ स्टेट में बैन भी कर दी गई हैं। उसका कारण क्या देखा गया है? कारण देखा गया है कि गिद्धे जो होती हैं, वल्चर जो कि गिद्धे होती हैं, जो कि मरे हुए जानवरों को खाती हैं, तो स्क्वेंजर का काम करती हैं। स्क्वेंजर मीन्स कि जो क्लियर करती हैं गले सड़े मांस को, पुट्रीफाइड मांस को, वो गले सड़े पदार्थ को गिद्ध बहुत जरूरी थी। क्योंकि देखिए, अगर चूहा है तो सांप चाहिए, क्योंकि चूहे की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्रॉप्स को, दानों को नुकसान पहुँचाएंगे। अगर सांप बढ़ गए तो नेचुरली हमें चाहिए कि सांप के ऊपर जो है, सांप के ऊपर जो उनको जानवर खाने वाला है वो भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि गिद्ध जो है कहीं वीडियोस में अटैक करती हुई, तो गिद्ध जो है मांसाहारी है, कार्निवोरस है, वो हमारे गले सड़े पशुओं के मांस को खाती है। अब जो क्रीमेशन ग्राउंड है उसके साथ ही एक और जगह होती है जहाँ पे कंकाल या कैराकास डाल दिए जाते हैं, चपड़ा उतार लिया जाता है जानवरों का और वहाँ पर डाल दिया जाता है। उसको गलती से कुत्ते खा लें तो वो मांसाहारी हो जाते हैं, आदमी को नोचने आ जाते हैं। ऐसे ही वो वल्चर्स हैं, जो क्योंकि आजकल कुत्ते क्यों खा रहे हैं, क्योंकि वो वल्चर है नहीं। तो अल्टीमेटली हम फूड चेन की पैरामिट्स को हमने प्लस टू में पढ़ा होगा मेडिकल में, बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट कर चुके हैं केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, 80% नंबर है, मगर 8600 में
मुरादाबाद, मेरठ, वहाँ से ये सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं अपनी जगह कोई और बैठा के। उस वजह से उनको ये भी नहीं पता केमिस्ट्री बायो है क्या, पूछिए तो इंटर मेडिकल से है मगर पता नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे गिर रहा है, माफिया एजुकेशन में एंटर हो चुका है, इतना ड्रग का नहीं है जितना एजुकेशन का है। अब जैसे एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी की मैं बात करता हूँ, कुछ उसमें क्लॉज है वो ओटीसी है, ऑन द काउंटर ड्रग, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन चल सकती हैं, मगर उसको भी यूज ऐसे नहीं करना चाहिए कि करे जाओ तो बैन हो जाती हैं। इस वजह से एक्लोफेनिक और डिक्लोफेनिक को बैन करने का क्या वजह रही कि वो जो हमारी जो पोल्ट्री फॉर्म है उस पर ये बहुत भारी है, ये 72 घंटे में मौत कर देती है एक बर्ड की, अगर इसके पास पिजन हो या मुर्गी वाले हों। वो डिक्लोफेनिक एक्लोफेनिक को नहीं देते, इससे मर जाती है। डिक्लोफेनिक जो एक्लोफेनिक है वो भी मेटाबोलाइज होकर हमारे लीवर से डिक्लोफेनिक बन जाती है, तो नेचुरली 72 घंटे में पक्षी की मौत हो रही है, तो वो वल्चर्स ख़त्म हो रहे हैं। वो कैसे डिक्लोफेनिक खा गई, जब वो कंगाल को खाती हैं जानवर के हैं, जो कि हमारे लाइफ स्टॉक हैं जैसे गाय बकरी, तो ये जो हैं ये इनको हम इंजेक्शन दे रहे हैं, किसी को ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं कि दूध बढ़ाने के लिए, किसी को हम डिक्लोफेनिक दर्द का निवारक का दे रहे हैं इंजेक्शन, या टेप टैबलेट रूप में किसी तरह दे रहे हैं हम जानवर को, तो जानवर के शरीर में ये टॉक्सिसिटी करती है मगर उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, मगर उस मांस को खाने वाला जो जीव है पक्षी उस पर ये पॉइजनिंग अफेक्ट करती है। तो मैं आपको बताऊँ, एक लेवल होता है प्रोफिलैक्टिक डोज जो कि बीमारी होने से बचाए, एक होता है थेरापूटिक डोज जो कि बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज होए, एक होती है लीथल डोज जो कि मौत का कारण बने। तो नेचुरली पक्षी के लिए लीथल डोज बन गई है, अकोमोलेट होती है, टॉक्सिसिटी करती है, और पक्षी वल्चर मार रहा है, वल्चर एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो वाइल्ड लाइफ ने ये चीज पंजाब के CM साहब से बोली, और बहुत जल्दी CM साहब कैप्टन अमरिंदर साहब जी विधानसभा में कानून या एक रेजोल्यूशन डालेंगे जिससे कि ये डिक्लोफेनिक एक्लोफेनिक बैन हो जाएगी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ ने कहा कि वल्चर खत्म हो गई तो नेचुरली जो पायरामिड बना हुआ है जैसे चूहा सांप और ऊपर ऐसे ही, अगर शेर ज्यादा हो जाए तो नेचुरली हिरन कम हो जाएंगे, तो नेचुरली ये बैलेंस रखा हुआ है कुदरत ने रखा हुआ है। ऐसे ही चूहे जो है रोडेंट्स बहुत खराबी करते हैं फसलों की, मगर उसको सांप कंट्रोल कर लेता है, इसका ये नहीं मतलब कि हम चूहे को मारने के हक में, इसका मतलब है कि ये कुदरत की तौर से पायरामिड बने हुए हैं, पायरामिड ऐसा जो अगर आप साइंस में पढ़ो तो उसके टॉप पे हम देखें वल्चर बैठा है, वल्चर गिद्ध बैठा है, अगर गिद्ध खत्म हो गया तो नीचे वाले जानवर फ्लरिश करेंगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डेंगू है। डेंगू सिंपली क्यों बढ़ा, पहले तो डेंगू का सुना नहीं था, वो वायरस से बनता है, वायरस से फैलता है। अब ध्यान से देखिए, जो चिड़िया थी जिसको स्पैरो डोमेस्टिक स्पैरो कहते हैं, वो मॉस्किटो डेंगू के जो मॉस्किटो है उसके लार्वे को सुंडी को खाती थी, अब वो गायब होने से क्या वो सुंडी फैल रही है स्टैग्नेंट वाटर में खड़े पानी में, और क्या हो रहा है नेचुरली चिड़िया खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, टावर लगा दिए हमने मोबाइल के, उसकी जो वाइब्रेशन निकलती है चाहे वो कहते हो नॉन आयनिक है इससे इंसान को कुछ नहीं होता, जीव जो है चिड़िया खत्म हो रही है। वो चिड़िया क्या करती थी, डोमेस्टिक स्पैरो हमारे लिए एक वरदान थी, वो क्या कुछ भी नहीं खाती थी, वो तो चिड़िया चींची भी करती थी, हमने जंगल भी काट दिए उसका हैबिटेट नेचुरल काट दिया, और क्या हुआ वो उसने खाती क्या थी, छोटे मोटे कीड़े खाती थी, वो कीड़े जो डेंगू के जो डेंगू वायरस जिस मच्छर में होता है उसकी उत्पत्ति खत्म कर देती थी और बगैर फीस लिए आपके करती थी। अब डेंगू फैल रहा है, नेचुरली वो वायरस फैल रहा है क्योंकि आपने उस जो साइकिल है उससे पंगा ले लिया, उस वेब पायरामिड से जो है उससे पंगा ले लिया, तो नेचर आपका नुकसान नहीं करना चाहती थी, नेचुरल तरीके से आप कंक्रीट जंगल बना रहे हो, नेचुरली आपको बीमारियां तो विरसे में मिलेंगी, फिर एंटीवायरल ड्रग्स तो है नहीं। ऐसे ही एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी के चाहने वाले कि मेरे को लिस्ट दे दो सर ये कर दो, भैया प्राइमरी हेल्थ वर्कर या CMSED या डी फार्मेसी या GNM वाले या BMS वाले इवन MBBS वाले भी ये जानते हैं कि इनजुडिशियस यूज एंटीबायोटिक का करेंगे, चाहे वो एंटीबायोटिक प्राइमरी की ही लिस्ट में है तो नेचुरली मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस होगी।
आपको थोड़ा सा जुकाम है तो आप केमिस्ट वाले के पास या आरएमपी के पास जाते हो तो वो आपको स्ट्रॉन्ग दवाई दे देता है। तो पहली थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन दे देगा तो आने वाले टाइम में आपको छोटी मोटी दवा असर नहीं करेगी। तो या फिर दो दिन आप में पेशेंस नहीं है, दो दिन ये दवाई एंटीबायोटिक खाई, दो दिन वो खाई, तीन दिन वो खाई, तो क्या है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वो बीमारी कर रहा है वो भी बचना चाहता है, कुदरत उसको भी बचाएगी और हम भी बचना चाहते हैं बीमारी से। तो अगर दो जातियों के दरमियान, यानी कि एक जाति माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है और एक हम हो गए ह्यूमन बींग्स कितने बड़े हैं, 4 ट्रिलियन सेल के बने हुए हैं, उसमें भी एक स्ट्रगल चल रही है जिसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। वो दोनों में फूड स्पेस मेट की वजह से चल रही है और हम दवाइयों से उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन में एक पीढ़ी में ही मोटेशंस कर देता है, सडन चेंजेस कर लेता है और अपने आप को बचाता है। जैसे बिल्कुल ऑल आउट लगाते थे तो पहले मच्छर मर जाते थे, अब नहीं मरते। कॉकरोच को स्प्रे मारते हैं तो कॉकरोच नहीं मरता, क्यों? वही बात आएगी, रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक्स अगर इंजुडिशियस यूज करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों अगर आप एक्लोफेनिक और डिक्लोफेनिक को ऐसे ही पेन किलर को यूज करते रहे तो एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। तो एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी में बहुत सारे लोकल एनेस्थेटिक भी हैं, वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, तो आपका ये सोचना गलत। हाँ जी, और पूछिए सर। सर डिक्लोफेनिक के बारे में तो आपने बता दिया, सर आप ये बताइए ओटीसी की परिभाषा क्या है? ओटीसी ऑन द काउंटर ड्रग है और इंडिया में अभी तक ओटीसी की परिभाषा लीगली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछी तो अभी तक दी नहीं गई। तो ओटीसी होता है ऑन द काउंटर ड्रग्स जो कि सेफ मानी जाए लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में, बहुत लंबे टाइम से, जैसे पैरासिटामोल एस्प्रिन है, किसी टाइम एपीसी भी थी तो बाद में पता चला कि प्राइमरी हेल्थ केयर में एस्प्रिन ही रह गई, पी और सी उड़ गई। पी का मतलब था फेनेस्टिन जो किडनी पे अटैक करती थी, और कैफीन जैसे कि कॉफ़ी और चाय में होती है, तो तीनों का कम्बिनेशन बनता था पहले। एपीसी दवा आती थी, लेटर ऑन वो बैन कर दी गई। तो ओटीसी ही ऐसी दवाएं हैं जो सीएमएसईडी के कार्य क्षेत्र में आती हैं और लेटर ऑन आप एसेंशियल ड्रग प्राइमरी में कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो शेड्यूल एच है, कुछ ऐसी भी हैं जो शेड्यूल एक्स है और एक्स वन है, वो कैसे आप यूज कर लोगे, तो उसके लिए तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए और सारा कुछ चाहिए। आप उसकी लिस्ट को सर्टिफिकेट में उतार के सोचते हो कि बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, तो DNS YS वाले रूलर CMS ED वाले ये ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।